हेलो दोस्तों, मैं हूं आप अपना संस्कार सुमित। सामने जो आप ये वीडियो देख रहे हैं भाई, दिल दहला देने वाला है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है कार में गैस डलवाते हुए, और ये कोई नॉर्मल सिलेंडर नहीं था। हम हर जगह सिलेंडर की टेस्टिंग को लेकर या उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी एज को लेकर सवाल उठा सकते हैं। ये है टाइप 4 सिलेंडर, बिल्कुल रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है। स्टील सिलेंडर से इसको ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है, लेकिन रियलिटी चेक यहाँ हो चुका है। क्या करा है गाड़ी का, होंडा जैज गाड़ी में ये फिट हुआ था। और इसके लिए हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पुराना था, क्योंकि जस्ट ये लॉन्च सिलेंडर हैं और 3 साल तो बाकायदा पीछे से जहाँ से मैन्युफैक्चर होकर आता है वहाँ से इसकी टेस्टिंग होकर आती है। 3 साल तक तो हमें करना ही कुछ नहीं होता। ये टेस्टेड था, ब्रांड न्यू था, उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो गया। यही कह के बेचा जा रहा है ये कि लाइट वेट है और जो स्टील सिलेंडर है उनसे भी ज़्यादा एफिशिएंट है, उनसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या कंडीशन है। ये भी नहीं था कि ओवर प्रेशर था, प्रेशर भी नॉर्मल बता रहे हैं पंप का, बाकी गाड़ियों में भरा जा रहा था। लेकिन ये देखिए सिलेंडर आपके सामने पड़ा हुआ दिख रहा है। ये शुक्र है कि किसी की डेथ नहीं हुई, 2 लोग इंजर्ड हुए हैं सिर्फ, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सबक है, क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद ये ना आरसी में चढ़ा था, ना ही किसी तरह से इंश्योरेंस में चढ़ा हुआ था। पूरा का पूरा हर्जाना जो है वो जो ओनर है उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसे खुद बेयर करनी पड़ेगी। जो पंप पे नुकसान हुआ है वो भी उसी के सिर आएगा, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी दूसरों की जान खतरे में डालने को लेकर वो भी उसे ही झेलनी पड़ेगी। कितना भी सेफ बताया जाए, लेकिन इस इंसिडेंट ने ज़रूर इस टाइप 4 सिलेंडर की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।